हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना मावा से बनने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ गाजर, जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। ये मेरी आधा किलो गाजर है। इनको मैंने मोटी साइज़ का जो कद्दूकस आता है उससे कद्दूकस किया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर दूध। तो मैं आधा किलो कद्दूकस की हुई गाजर के सामने 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। और अच्छे से इन सबको हमें 2 से 3 उबाल आने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसे ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि गाजर को भी हमें इसके अंदर पकाना है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी कद्दूकस की हुई गाजर, और अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, जब तक कि गाजर और दूध के अंदर अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है। तब तक हम इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा पतला है तो आप फिर 1.5 लीटर की जगह थोड़ा सा ज़्यादा दूध यूज़ करें, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दूध का हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसी हिसाब से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जब तक हमारी गाजर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं दूध के अंदर भी बहुत अच्छा उबाल आने लग गया है। तो यहाँ पर हम लोग गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे, जिससे हमारी गाजर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पकाओगे तो दूध बहुत जल्दी जल जाएगा और गाजर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सॉफ्ट होगी। तो आप देख सकते हैं दूध का कलर भी अच्छा चेंज हो गया है, और साइड में जो भी इकट्ठा हो रहा है दूध की मलाई, उसको भी हम लोग एक साइड से निकाल लेंगे, और अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा दूध जल्दी से थिक हो जाएगा। और जब तक हमारे ये सॉफ्ट नहीं होंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप चाहो तो इसे कवर करके भी पका सकते हो, बीच बीच में बस इसे चेक करते रहना है। तो यहाँ देखिए कि गाजर का दूध भी बहुत अच्छा थिक हो गया है, और हमारी गाजर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो मैंने 3 से 4 इलायची है, जिसको अच्छे से कूट कर यूज़ किया है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप सीधा इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल दें, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। और दूध भी हमारा काफ़ी थिक हो गया है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग बादाम, जिसको मैंने कतरन करके लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। और अच्छे से इन सबको हम मिक्स करेंगे। आप चाहो तो बादाम को पहले भिगो लो, फिर उसका छिलका निकाल कर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से इन सबको हम मिक्स करेंगे। इसी हिसाब से हम इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे, जिससे हमारा दूध अच्छे से पक जाएगा और गाजर भी हमारी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। मैं जिस हिसाब से आपको रेसिपी बता रही हूँ, उस हिसाब से बहुत ही जल्दी ये गाजर का हलवा बन जाता है। और इसे आप सर्दियों में, चाहे मॉर्निंग में हो या फिर टी टाइम स्नैक्स में, किसी टाइम पे भी अगर गरम गरम सर्व करते हो, सभी में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिना मावा बनता है। और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे चीनी। तो वो आप अपने मीठे के हिसाब से आप इसके अंदर डालें। मैं ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ, और अच्छे से इन सबको हम मिक्स करेंगे। एक बार हमारे गाजर का हलवा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद में ये अच्छे से वापस से थिक हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू हमें लो फ्लेम पर चलाते रहना है। अब इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये तले पर बहुत ही जल्दी चिपक जाएगा। और अच्छे से इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, और साइड में जो भी आपकी मलाई इसके अंदर इकट्ठी हो रही है, उसको भी आप गाजर के हलवे के अंदर साथ में मिक्स कर लेना। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ किशमिश, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है हमारे गाजर के हलवे के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे काजू, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको पिस्ता पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं और अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा काफ़ी थिक हो गया है, और थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही कवर करके साइड पे रखेंगे और उसके बाद में आप चेक करोगे तो गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और थिक चाहिए तो उस हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ी देर तक इसे और चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी सा गाजर का हलवा। इसके ऊपर से फिर से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी बादाम की कतरन और ऐड की है, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा थिक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बताई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।